नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल कुकिंग विद शेफ आसू में। बाहर से ना एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट मेल्टेड डार्क चॉकलेट, सच में ना मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मैंने ली है 4 से 5 छोटी स्प्रिंग रोल सीड, डार्क चॉकलेट, चॉकलेट सिरप, थोड़ा सा पिस्ता चॉप और कॉर्नफ्लावर और वाटर का मिक्सचर। सीड पर ना चारों तरफ से कॉर्नफ्लावर का घोल लगा लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये फटेगी नहीं, ये खुलेगी नहीं और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग बन जाएगी। बस अब इसके अंदर स्टफिंग करेंगे चॉकलेट की और इसे अच्छे से रैप कर लेंगे। इसे आप सीधे रखकर या क्रॉस में रखकर दोनों तरह से रैप कर सकते हैं। दोनों वीडियोस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसे उस तरह से रैप कीजिए। दोस्तों बस एक बार बना के देख लो, फिर मैं दावा करता हूँ आपका बार बार बनाने का मन होगा। तो चलिए दोस्तों, रोल फ्राई करने से पहले करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग मतलब प्लेट को सजाना, ताकि जब इसके ऊपर आप रोल्स रखेंगे ना तो उसका एक बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। तो चलिए अब रोल्स को फ्राई करते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम रखना है और जो तेल का टेम्परेचर है वो भी मीडियम होना चाहिए। अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी। देखिए अब इनका कलर गोल्डन हो चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब रोल को बीच में तिरछा काट लेंगे और ये देखिए वाओ, एकदम से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। और अब करते हैं प्लेटिंग। दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बस रोल्स को अब प्लेट में अरेंज कर लेंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे चॉप किया हुआ पिस्ता, हल्का सा ऊपर से डालेंगे चॉकलेट सिरप। और दोस्तों ये बनकर तैयार हो गया है हमारा चॉकलेट स्प्रिंग रोल। सच मानिए दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ में।